आज हम लोग टाइम जोन को कवर करेंगे, क्योंकि जब मैं 6 क्लास की एनसीईआरटी बना रहा था उस टाइम एक पार्ट स्किप हो गया था, तो मैं इस वीडियो में आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर हम टाइम जोन की बात करें तो सबसे पहले हमको जानना होगा लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। देशांतर किसे कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी पर जो नॉर्थ पोल इधर है या और साउथ पोल इधर है, ओके। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को देशांतरीय रेखा कहते हैं, ओके। तो इस तरह से जो रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी मैप पर, तो उन्हें देशांतरीय रेखा कहते हैं। अब देशांतरीय रेखाएं अगर दोस्तों हम बात करें कि हमारी पृथ्वी पर कितनी खींची जा सकती हैं, तो इसका एक आंसर होगा इन्फिनाइट। लेकिन अगर कोई पूछे हमारी पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अगर हम देशांतरीय रेखाएं खींचे तो कितनी होंगी, तब 360 होंगी, ओके। कितनी होंगी, 360 होंगी। ये क्यों होंगी, ये मैंने एनसीईआरटी में पहले ही बता दिया। जिन लोगों ने वो 6 क्लास की एनसीईआरटी नहीं देखी है, जा करके देख सकते हैं, ओके। चलिए हम लोग, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसलिए मैं आपको इसमें जल्दी जल्दी बता देता हूँ। हमारी पृथ्वी कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगी। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचती हूँ और बोलूँ ये अक्ष है इसका, ओके, तो हमारी पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में यानी कि एक घूर्णन पूरा करने में उसे 360 डिग्री घूमना पड़ेगा, ओके। कोई भी वस्तु होती है उसे पूर्ण रूप से घूमने के लिए या फिर जहाँ से वो स्टार्ट होती है वहाँ पर आने के लिए, एक चक्कर पूरा करने के लिए उसे 360 डिग्री घूमना पड़ता है। तो हमारी पृथ्वी भी है, उसे भी एक चक्कर पूरा करने के लिए 360 डिग्री मूव करना पड़ेगा, ओके। अब हम लोग जानते हैं हमारी पृथ्वी है 360 डिग्री कितनी देर में घूमेगी, एक दिन में, ओके। क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारी पृथ्वी का घूर्णन है वो एक दिन में पूरा ये 360 डिग्री घूम जाती है। तो हम लोग इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमारी पृथ्वी है एक दिन में, हमारी पृथ्वी है वो एक दिन में 360 डिग्री घूमती है, ओके। और अगर हम एक दिन की बात करें तो एक दिन में अगर हम इसे घंटे में कन्वर्ट करें तो कितने घंटे होंगे, 24 घंटे, ओके। तो 24 घंटे में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 360 डिग्री हमारी पृथ्वी घूमती है, ओके। अगर हम बात करें कि एक घंटे में अगर हम निकालें तो 360 को हम 24 से भाग कर देंगे, ओके। तो इसको अगर हम इससे काटेंगे तो 15 आएगा। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि एक घंटे में जो हमारी पृथ्वी है वो 15 डिग्री का कोण बनाती है, ओके। एक घंटे में हमारी पृथ्वी है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 15 डिग्री का कोण बनाती है। इसी तरह अगर हम 30 मिनट में, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आधे घंटे में हमारी पृथ्वी है वो 7.5 डिग्री का कोण बनाती है, ओके। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, अगर हमारी पृथ्वी में देशांतरीय रेखाएं कितनी है, एक कोण था, ओके। हमारी पृथ्वी पर भी हमने कितनी देशांतरीय रेखाएं खींची, 1 डिग्री के अंतराल पर 360, ओके। तो इसको मान लीजिए ये देशांतरीय रेखाएं हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारी पृथ्वी है वो एक घंटे में 15 डिग्री का कोण बनाती है, ओके। यानी कि 15 डिग्री जो देशांतरीय रेखाएँ हैं उससे आगे पीछे हो जाती हैं। अब देखिए, अब टाइम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिए। अब देखिए जो हमारे पहला वाला डायग्राम है, हम इसको देखते हैं। अब देखिए देशांतरीय रेखाएं हैं, हमारी पृथ्वी गोल है। अब यहाँ पर कोई भी जो देशांतरीय रेखाएं और अक्षांशीय रेखाएं हैं ये पृथ्वी पर कहीं भी खींची नहीं है दोस्तों, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ओके। केवल हम लोगों ने मैप पर खींच ली हैं, आपको पृथ्वी पर ये कहीं भी खींची हुई नहीं दिखाई देंगी। तो अब बात आई कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है। जैसे आप गेंद देखोगे तो गेंद पर कहाँ पर आप बेस मानोगे, तो इसीलिए पहले डिसाइड किया गया कि सबसे पहले हम पृथ्वी पर एक बेस लाइन मानते हैं, तो जिसे 0 डिग्री देशांतरीय रेखा के नाम से जानते हैं, ओके। तो एक लाइन खींची गई 0 डिग्री देशांतरीय रेखा, ओके। अब ये यहाँ पर ही क्यों खींची गई, तो यहाँ पर बहुत सारे कारण थे, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब समय का निर्धारण हुआ था तब उस समय जो ब्रिटेन था वहाँ वो काफ़ी पावरफुल था, उसके कई सारे उपनिवेश थे, वो वर्ल्ड में रूल करता था, ओके। तो इस कारण से भी इसको लिया गया, और साथ में जहाँ पर जो सम्मेलन हुआ था वो भी इसी जगह था, और इसी लाइन को ग्रीनविच लाइन के भी नाम से जाना जाता है, ओके। अब देखिए इसके इधर आप जाएंगे तो आपको 180 देशांतरीय रेखा देखने को मिलेंगी, आप इधर भी जाएंगे तो आपको 180 देशांतरीय रेखाएं देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक विशेष बात है, अगर आप इधर जाएंगे तो इसे ईस्ट बोलते हैं, या हिंदी में आप इसको पूरब बोल सकते हैं, ओके। लेकिन आप इधर जाएंगे तो इसके लिए बेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस्ट बोलते हैं, या फिर आप इंग्लिश में हिंदी में इसको पश्चिम बोल सकते हैं, ओके। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और जो 180 डिग्री की जो देशांतरीय रेखा है इसके लिए पूरा पश्चिम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, क्योंकि जो मैंने ये मैप बनाया है
ये देखिए कागज पर है, लेकिन हमारी पृथ्वी गोल है, तो हम इसको इस तरह से अगर हम रोल करेंगे तो 180 डिग्री वाली यह देशांतरीय रेखा ये एक ही हो जाएगी। ओके, तो 180 डिग्री देशांतरीय रेखा है, इसके लिए पूरा पश्चिम यूज़ नहीं किया जाता है, तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। और जो 180 की जो आपको ये रेखा दिख रही है, देखिए इस तरह से आपको जिगजैग देखने को मिलेगी। ओके, तो आपको ये रेखा देखने को मिल रही है, इसी के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। ओके, किस नाम से? इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये जिगजैग क्यों दिख रही है आपको? आप ये क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये जिगजैग क्यों है? ये जिगजैग इसलिए है, आप देखिए इधर अगर इधर दिन अगर इधर मैं मानूँ यहाँ पर 12 तारीख है, तो यहाँ पर दोस्तों 13 तारीख होगी। ओके, यानी कि जो 180 डिग्री के इधर है, यानी कि इधर का रीजन है, तो इधर 12 तारीख होगी, यहाँ पर 13 तारीख ऐसे हो जाएगी। तो इसीलिए ऐसा होता है, तो इसीलिए क्या किया गया कि मान लीजिए आप एक ही देश हैं। ओके, यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप भी हैं। अब देखिए इस द्वीप पर मान लीजिए ये छोटा सा यहाँ पर कोई द्वीप है, अब यहाँ से जो रेखा गुजर रही है अब वो ऐसे इसको काटेगी, तो यहाँ पर ये सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि इसी द्वीप पर एक छोटा सा द्वीप है, इधर 12 तारीख है, इधर 13 तारीख है, तो इसीलिए जो द्वीप थे यहाँ पर छोटे छोटे देश थे उनको बचाने के लिए कि एक ही टाइम जोन रहे, उसे सिंपल करने के लिए इस लाइन को ही टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया। ओके, तो आप देख सकते हैं जो 180 डिग्री का जो जो रेखा है दोस्तों, उसे थोड़ा जिगजैग कर दिया गया है, ये देशांतरीय रेखा के समान नहीं है बिल्कुल, बल्कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसको थोड़ा जिगजैग कर दिया गया है 180 डिग्री वाली को। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं और कुछ थोड़ी बातें, अगर आप इधर पूरब में जाएंगे ओके, तो जो टाइम होगा वो प्लस हो जाता है, आप इधर जाएंगे तो टाइम होता है वो माइनस हो जाता है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। इधर माइनस होगा, इधर माइनस होगा और इधर प्लस होगा। अब कितना प्लस होगा, तो अभी हम लोगों ने बात की थी कि अगर 15 डिग्री की जब देशांतरीय रेखा पार होगी तो कितना टाइम बढ़ जाएगा दोस्तों? 1 घंटा। ओके, 1 घंटा टाइम बढ़ जाएगा। और ऐसे ही इधर अगर 15 डिग्री देशांतरीय रेखा इधर जाएंगे तो कितना टाइम कम हो जाएगा? -1 घंटा। ओके, -1 घंटा टाइम कम हो जाएगा। तो आप इसी तरह से लगा सकते हैं। आप देखिए मैं एक काम को एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। एक किसी ने स्टूडेंट ने पूछा भी था व्हाट्सएप पे कि अगर जो 180 डिग्री की जो रेखा है, ओके 180 डिग्री की रेखा है ये, ओके उन्होंने पूछा था कि यहाँ पर 12 बज रहे हैं दोपहर के, ओके 12 बज रहे हैं, तो दोपहर का मतलब है कि 12 बजे के बाद अगर हम लगाएंगे तो PM ही आएगा। ओके, PM आएगा। अब यहाँ पर 12 बज रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि जो इंडिया है यहाँ पर कितना बज रहा होगा? तो हम लोग जानते हैं इंडिया है दोस्तों, और इंडिया के लिए जो हमने टाइम जोन सेलेक्ट किया है वो है दोस्तों 82 सही 1/2। ओके, 82 सही 1/2। अगर हम 82 सही 1/2 की बात करें तो हम लोग देख सकते हैं। अब मैं आपको ये सारे क्लियर करके दिखाता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये जो रेखा है इसको ग्रीन बिच के नाम से जानते हैं, और ये कितनी डिग्री की है? 0 डिग्री की है। ओके, अब हम इससे जो ईस्ट साइड में जाएंगे तो टाइम क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। अगर हम इसके पश्चिम साइड में जाएंगे यानी कि वेस्ट साइड में जाएंगे तो टाइम हो जाता है वो माइनस हो जाता है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कितना है? 180 डिग्री है, इधर भी 180 डिग्री है। ओके, अब देखिए हमारा जो भारत है उसके लिए जो हमने देशांतरीय रेखा या टाइम जोन सिलेक्ट किया है वो 82 सही 1/2 सिलेक्ट किया है, वो लगभग मैं आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ओके, तो कौन सा है? यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, 82 सही 1/2। अभी हमारे जो भारत में सिर्फ एक ही टाइम जोन है, लेकिन भारत है वो काफ़ी उसका क्षेत्रीय विस्तार है, इसलिए 2 टाइम जोन की बात की जा रही है। तो वो भविष्य में हो सकता है, अभी तो नहीं, अभी सिर्फ एक ही टाइम जोन है हमारे यहाँ। ओके, अब देखिए जो हम अगर यहाँ पर बात करें तो 82 सही 1/2 का क्या मतलब हुआ, मैं अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये 0 डिग्री है, ओके ये वाली आपको दिख रही है ना दोस्तों, ये 0 डिग्री है। अब यहाँ से हम 15 डिग्री पर आए, ओके तो कितना हो गया? 1 घंटा प्लस हो गया। ओके, अब इस 15 डिग्री से फिर से हम लोग आए 30 डिग्री पर, तो 15 फिर से ऐड हो गया ना, तो 1 घंटा और हो गया। फिर यहाँ से हम फिर से और थोड़ा बढ़े, अब देखिए यहाँ पर 45 है, 30 के बाद 45 दिया रखा है, तो फिर से क्या हुआ? 15 डिग्री बढ़ गया ना, तो 15 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 घंटा होता है। ओके, तो फिर से हमने ऐड किया, अब देखिए 15 से हम जब 60 पर आए तो फिर से 15 डिग्री बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक हमने और जोड़ दिया। अब देखिए जब हम 60 से
75 पर फिर से आए तो हमने फिर से एक जोड़ दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पर पूरा नहीं है दोस्तों, अब 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का मतलब होता है कि आधा घंटा। ओके, तो हम एक घंटा नहीं लगाएंगे, आधा घंटा लगाएंगे, तो टोटल कितने घंटे हो गए, 1 2 3 4 5। ओके, तो 5 घंटे और कितना हो गया, 30 मिनट। ओके, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 घंटे 30 मिनट अगर हम इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 घंटे और आधा घंटा और। ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं, तो जैसे भी आप लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। चलिए हम लोग एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। मान लेते हैं जो 0 डिग्री की देशांतरीय रेखा है, यहाँ पर 1 बज रहा है, 1 AM हो रहा है। ओके, अब देखिए एक जो 0 डिग्री की रेखा है, अगर इसमें पूछ लिया जाए 0 डिग्री की देशांतरीय रेखा, या फिर इस तरह से पूछ लें कि इंग्लैंड, क्योंकि ये इंग्लैंड के पास से होकर के गुजरती है, या फिर जहाँ जहाँ से ये गुजरती है तो उस देश का नाम ले ले, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो ग्रीनविच लाइन है इन किन किन देशों से होकर के गुजरती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पर दोस्तों 1 बज रहा है, 1 AM हो रहा है, तो भारत में कितना होगा, इसमें हम कितना ऐड कर देंगे, अभी हमने देखा था कि हम इसमें कितना ऐड कर देंगे, 5.5 घंटे होंगे वो ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 1 घंटा A और 5.5 घंटा A, तो कितना हो गया, तो यानी कि जब यहाँ पर जो 0 डिग्री है दोस्तों, यहाँ पर 1 बज रहा है, तो अब यहाँ पर कितना बजना चाहिए, 6:30। ओके, 6:30 AM होना चाहिए। ओके, तो भारत में कितना बज रहा होगा, जब यहाँ पर 1 बज रहा होगा, 1 AM हो रहा होगा, तो भारत में कितना हो रहा होगा, 6:30 बज रहा होगा। ओके, तो इसी तरह आप देख सकते हैं, आप एक क्वेश्चन था जो व्हाट्सएप पे पूछा था दोस्तों, कि यहाँ पर जो 180 डिग्री की रेखा है, यहाँ पर उन्होंने कहा था कि 12 बज रहा है। ओके, 12 उन्होंने कहा था, दोपहर का 12 बज रहा है, यानी कि PM यहाँ पर लगा सकते हैं आप। तो उन्होंने पूछा था कि भारत में कितना बज रहा होगा, अब ये भारत की लाइन है, मान लीजिए ए है। ओके, तो हम भारत के इधर आ रहे हैं, तो अब किस साइड में आ रहे हैं, हम वेस्ट साइड में आ रहे हैं। ओके, इस तरफ एरो लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं किस तरफ जा रहे हैं, हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तब क्या होता है, माइनस होता है उसमें टाइम। ओके, तब कितना होता है, माइनस होता है टाइम। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 180 डिग्री की ये रेखा है, तब हम कितना यहाँ पर इधर बैक आएंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना हम बैक आएंगे, उतना ही आप उसमें माइनस कर दीजिए, तो टाइम निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो रहा होगा, तो यहाँ पर लगभग हम 6:30 यहाँ पर घटा देंगे, तो यहाँ पर बज रहा होगा 5:30। अब यहाँ पर PM हो रहा है, तो माइनस हो रहा है, तो PM से पहले क्या आता है, AM। ओके, तब यहाँ पर जब 12 बज रहे हैं, तो इंडिया में कितना बज रहा होगा, तो 5:30 बज रहे होंगे सुबह के यहाँ पर। अब देखिए मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पर 12 बज रहा था, ये सारा मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा था कि 12 बज रहा है 180 पर। ओके, 12 PM हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर कितना हो रहा होगा, 12 AM हो रहा होगा, यानी कि यहाँ पर दोपहर हो रही है और यहाँ पर क्या हो रही है, रात के 12 बज रहे हैं, यहाँ पर रात होगी 0 डिग्री पर। तो यहाँ से भी अगर इधर आएंगे तब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आने के लिए आपको हमने देखा था कितना ऐड करना पड़ेगा, 5.5 घंटे अगर हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा टाइम। ओके, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पर कितना है, 12 है, तो यहाँ पर PM है, तो इधर AM हो रहा होगा 0 डिग्री पर। ओके, तो अगर हम इधर से, तो हमने अभी निकाल के ही देखा है कि अगर हम यहाँ पर आएंगे अपने इंडिया में देखेंगे, तो 5.5 घंटे सिंपली जोड़ देंगे, तो 12 में अगर हम 5.5 घंटे जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा, 5:30 AM होता होगा। या फिर आप यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाता हूँ, कि यहाँ पर देखिए 180 है। ओके, तो यहाँ पर आप गिन लीजिए कि यहाँ से जैसे 1 घंटा A हो गया, 1 घंटा A हो गया, तो ऐसे ऐसे आते आते यहाँ पर आपको 90 तक आते आते 6 घंटे हो जाएंगे। ओके, तो आप यहाँ तक आते आते 6 घंटे हो जाएंगे। ओके, तो 6 घंटे A हो गए, प्लस अब देखिए यहाँ पर जो 82 है, लेकिन अभी हम कहाँ पर आए हैं, 90 पर आए हैं ना, लेकिन हमें कहाँ पर आना है, 82 पर आना है, क्योंकि हमारे इंडिया का जो टाइम जोन है वो 82.5 डिग्री है, तो इसलिए 7.5 और आना पड़ेगा। तो हम जानते हैं जो 7.5 डिग्री देशांतरीय रेखा होती है वो कितने के बराबर होती है, 30 मिनट के बराबर होती है। तो यानी कि 6.5 घंटा निकल आया ना, तो हम 12 में से 6.5 घंटा घटा देंगे तो कितना आएगा, 5.5 घंटा आएगा, क्योंकि यहाँ पर PM है, तो अगर हम घटा रहे हैं तो यहाँ पर कम करना पड़ेगा, AM करना पड़ेगा। ओके, तो इसी तरह से आप देख सकते हैं, आप देखिए एक बार मैं इस टाइप का भी इधर का भी दिखा देता हूँ, जिससे आपके और सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अगर हम लोग इसको देख रहे हैं तो ठीक से ही देखते हैं, जिससे आपके कोई भी डाउट नहीं रहते हैं। देखिए जैसे कि जो हमने अभी देखा था, तो सबसे पहले आप बेस लाइन देख लीजिए। ओके, ये बेस लाइन है 0 डिग्री। ओके, अब आप इधर जाएंगे तो इधर क्या होगा, प्लस होगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि 180 डिग्री की, यहाँ पर मान लीजिए 180 की है। ओके, तो यहाँ पर
12 बज रहा है, कितना बज रहा है यहाँ पर, 12 बज रहा है, पीएम हो रहा है मान लीजिए। ओके, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ भी 12 बज रहा है लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा होगा, एएम हो रहा होगा। ओके, यानी कि रात के हो रहे होंगे। अब आप इधर जाइए तो जितना डिग्री जा रहे हैं उधरी ऐसे घटाते जाइए, जहाँ पर आपको पूछा है उस तरह से आप घटा सकते हैं। आप इधर जा रहे हैं तो आप जोड़ सकते हैं। ओके, तो आपको एक कॉन्सेप्ट सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर आप ईस्ट में जा रहे हैं तो टाइम क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अगर वेस्ट में जा रहे हैं तो टाइम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी बात को आपको ध्यान रखना है। और कितना माइनस होगा, तो 15 डिग्री जो देशांतरीय रेखा होती है वो एक घंटे के बराबर होती है। ओके, अगर हम बात करें कि एक डिग्री देशांतरीय रेखा होती है, यहाँ पर लिख देता हूँ, एक डिग्री देशांतरीय रेखा होती है तो वो कितने मिनट के बराबर होती है, 4 मिनट के बराबर होती है। तो आप मिनट में भी निकाल सकते हैं क्योंकि मैंने एक डिग्री देशांतरीय रेखा के भी बारे में बता दिया। ओके, तो आप कितनी भी देशांतरीय रेखा के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। तो इसी तरह अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी लोग। अगर यहाँ पर 6 बज रहे हैं, ओके, 6 AM हो रहा है, तो इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।